Hello everyone, hi. I welcome you all to our channel that is Class Apart, and I am Anupriya, your social sciences educator for the students of class 9th year. So bachcha log, agar aapke paas an academy learning app nahi hai to fatafat install karo and get flat 10% off using my code, that is APRI10. Ye mera code hai jisse aapko flat 10% off mil jayega, so please don't forget this code here. Now this is my chotu sa introduction. I have completed my post graduation in modern history from Miranda House Delhi University, mentored almost 10,000 students, have more than 3 years of experience in online teaching, and I've co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th by the name Core History. So यहाँ पर हम अगर कुछ amazing features की बात करते हैं Fun Academy, आप सभी बच्चों को बताया that Bugs Bounty is an amazing feature here, जहाँ पर आप सारे बच्चे अगर आपको कोई भी inappropriate content दिखता है Fun Academy platform पे, तो आप उसको report कर सकते हो in the form given in the description. So this is the offer जो आपके लिए अभी 4th October को आपका end हो जाएगा, plus और iconic subscription का आपका offer है बच्चों 12 से 18 months का. अगर आप यहाँ पर लेते हो subscription, so you guys are gonna get 4 months free. 24 से 48 months की अगर हम बात करते हैं, so 6 months free, और अगर 60 से 84 मंथ्स की बात करते हैं तो 8 मंथ्स फ्री मिलेगा फ्लैट 10% डिस्काउंट. ये भी आपका एक कॉम्बो ऑफर है फॉर दी स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड 10th बोथ. यहां पर आपको 4 साल का पूरा कोर्स मिलेगा, 9th 10th 11th 12th अगर हम देखते हैं तो, उसके बाद आपको साथ ही साथ ITJ और NEET UG के कोर्सेज भी मिलेंगे. एक्चुअल प्राइस 81,000 है, ऑफर प्राइस 64,500 है. Now you guys should be going forward for the Earn Academy subscriptions plus ho ya iconic, kyunki yahan par aapke bahut sare batches hai, the upcoming batches here. So as you can see, 4th October se aapke bahut sare naye batches shuru ho rahe, crack term 1 exams for all the subjects here, and also complete term 1 syllabus batch for all the subjects here. So hurry up, go and take the subscription, use my code APRI10, description mein aapke paas link hai. Combat is something jo ki aapka har Sunday ko hota hai bachcho, description mein aapke paas hamesha link aata rehta hoga, nahi to community post mein dekha kariye, wahan par aap kuch nahi karo, आप वहां पर आप APRI10 कोड यूज कर लो ताकि आप एनरोल कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द लिंक, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ एन एकेडमी, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकॉनिक. अगर प्लस की बात करते हैं तो सभी बच्चों के पास एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जिसमें सुपर डुपर अमेजिंग एजुकेटर्स के सुपर डुपर अमेजिंग कोर्सेज, एग्जॉस्टिव कवरेज होता है सिलेबस का, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशन है, मेंटरशिप गाइडेंस है, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे बैच कोर्सेज के लिए, स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको मिलेगा. 3 मंथ से लेकर 48 मंथ तक वैरी करता है. अभी प्राइसेस हमारे लास्ट है, तो आप सारे बच्चे 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, सो दैट यू कैन गेट मैक्सिमम डिस्काउंट हियर, एज वेल एज आप ये ऑफर भी एंजॉय कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस के सारे फीचर्स है, उसके अलावा पर्सनल मेंटर जो कि 24/7 आपके लिए ऐप में प्रकट हो जाएंगे, उसके अलावा लाइव डॉट सॉल्यूशन मिलेगा सारे क्वेश्चंस का जो भी आपके डाउट्स हैं मैथ्स और साइंस में, वीकली रिपोर्ट मिलेगा आपके सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, पेरेंट्स यहाँ पर मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर तक सभी बच्चों को मिलेगा. 3 मंथ से लेके 48 मंथ तक वैरी करता है. अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अगेन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी, ठीक है. तो स्लैश प्राइसेस है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपडेटेड प्राइसेस आप देख सकते हो. आप अगर 12 महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 5 में पे करने का मौका मिलता है, 0 cost EMI समथिंग, जो कि यहाँ पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज इंकर नहीं किया जाएगा. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू गाइस मस्ट नो दैट दोनों में आपके कॉमन फीचर्स है राह, यानी कि रेज अ हैंड फीचर, जिसके थ्रू आपका 1-to-1 इंटरेक्शन होता है विद योर एडुकेटर्स, एंड दिस इज माय पर्सनल फेवरेट पार्ट, जहां पर बच्चों को मौका मिलता है कि वो मस्त यहां पर अपने सारे डाउट्स क्लासरूम लाइव एक्सपीरियंस टाइप फील करते हुए सारे डाउट्स वहीं सेशन में सॉल्व कर सकते हैं. तो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट, फॉलो मी ऑन एन एकेडमी. स्पेशल क्लासेस होते हैं दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर रियल टाइम इंटरेक्शन होता है चैट्स और इमोजीज के साथ. क्वेश्चन टाइम में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो. अगर आप सब्सक्राइब स्टूडेंट हो तो यहां पर भी आप रेज हैंड का इस्तेमाल कर सकते हो. लाइव पोलिंग सेशन होती है फॉर क्विज और लीडर बोर्ड क्रिएट किया जाता है. तो अमेजिंग कोर्सेज के लिए आप यहाँ पर स्पेशल क्लास पे भी मुझे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वे यू गाइस कैन फॉलो मी इंस्टेंटली. अभी यहाँ पर आप कोड के लिए आप याद रखना APRI10, ठीक है. Now let's start our chapter, that is constitutional design. Now whenever we are talking about this chapter, आपने previously बच्चो what is democracy and why democracy पढ़ा है, और what is democracy and why democracy में you guys have understood the important features of a democratic country or a democratic government, right? तो जब भी हम किसी democratic government की बात करते हैं, you guys are now aware that वहां पे जो सबसे important thing होता है, what is that? That is a constitution. So ये जो हमारा chapter है constitutional design, this is all about the importance of a constitution, why do we need a constitution in a democratic form of government, and also how the constitution was made in our country. We are going to understand about the guiding philosophies of the constitution, the Indian constitution here through our preamble. Lekin sabse pehle hum dekhne wale hain bahut hi tagda exam.
एग्जाम्पल जो हमारे पॉलिटिकल साइंस बुक में दिया हुआ है अबाउट साउथ अफ्रीका इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्री. सो इफ वी लुक if we have a bird's eye view of this whole chapter, so what are the important topics that you guys can't miss? So the first topic here is democratic constitution in South Africa. Now through the example of South Africa, we will try to understand that how constitution was made here and why constitution is necessary in any democratic country if they have attained independence. Then we will move on to our Indian constitution. We will understand that how constitution for our country was made. So what were certain problems that the constitution makers they had to face? What were certain issues that were being raised by the people here, by the nationalists here? We will also find that what are some of the important points that have been highlighted in the Indian constitution. So yes, there would be a lot of data to learn here. Last but not the least, we are going to understand about the guiding values of the Indian constitution, where we will talk about the preamble, that is the introduction to our Indian constitution and many other constitutions all over the world. Right. So here students, when we are talking about that, what is a constitution? This is one of the basic questions that we need to answer. Now, I would like you all to imagine one thing. Now, what would be that thing? Imagine your favorite game here. Let's say some of you might love playing cricket. Some of you might love playing football. Some of you might love playing basketball. But what if there were no rules in the games? I mean, would you think ki haan mujhe jeetna hai? वो जीतने का जज्बा खत्म हो जाएगा ना अगर आपको पता चलेगा कि यार गेम में तो कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल अपना बनाए जा रहा है और उसी हिसाब से गेम खेले जा रहे हैं, तो आपको वो मजा नहीं आएगा, वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आपकी खत्म हो जाएगी. वो लॉज अगर या रूल्स नहीं फॉलो होंगे या रूल्स बने ही नहीं रहेंगे तो गेम खेलने का मजा क्या है ना. नाउ अप्लाई इट ऑन अ लार्जर पर्सपेक्टिव हियर. So if we are talking about any country that is a democratic country where the elected representatives are taking the major decisions. Now what if all the people living in the country, they are not given certain rights in their own country? Do you think that the country would be able to maintain law and order or peace for a longer period of time? Obviously not. So whenever we are talking about a democratic country, constitution is something that is needed to run that particular country, run in ये जॉगिंग वाला रन नहीं बट रनिंग एज इन रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन और द वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस इन दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू डिफाइन अ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ सेट ऑफ लॉज और प्रिंसिपल्स दैट इज डिटरमाइनिंग द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो हमारे कंट्री में अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो सभी बच्चों को फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा, आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखा है. सो अगर मैं फंडामेंटल राइट्स की बात करती हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करती हूँ, ये सब आपको कहाँ मिलता है? सभी को पता है कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, एवरीवन नोज दैट, करेक्ट और नॉट? सो यस, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो ये समझो कि जैसे आपका एक सोशल साइंस का बुक है, वैसे ही आप समझो कि एक अपना बुक है जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं और उन्हीं लॉज के तहत एक गवर्नमेंट को रन करना है, किसी भी कंट्री को जिसको वो रूल कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस या कॉन्स्टिट्यूशन का होना अनिवार्य क्यों है? बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजंस, इट इज डिस्क्राइबिंग द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा ना हो कि एनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु इज रूलिंग देयर उनके पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाए. अनलिमिटेड पावर्स आएंगे तो क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक रहेगी? नहीं ना, उसके बाद वो थोड़ा ऑटोक्रेटिक वाला फील नहीं आ जाएगा कि सारे पावर्स उन्हीं के हाथ में है, लोगों के पास कुछ पावर्स नहीं है, उनके पास कुछ राइट्स नहीं दिए गए, तो यार कंट्री गवर्न कैसे करेंगे? एक ही इंसान अगर गवर्न करता रहेगा तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं ऑटोक्रेसी कहना शुरू कर देंगे. राइट, सो कॉन्स्टिट्यूशन का होना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड हाउ मच पावर कैन अ गवर्नमेंट कैन एक्सरसाइज. ऑल्सो इट इज इन टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अभी सभी बच्चों ने पढ़ लिया है. इफ यू लुक एट द मैप ऑफ इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये हमारे वर्ल्ड का मैप है जहां पर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन टुडेज, लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द 193 कंट्रीज दैट वी हैव ऑल ओवर, सो यहां पर ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में, कुछ कंट्रीज को छोड़ के, सो यू विल सी दैट देयर हैज बीन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि हर एक कंट्री में अडॉप्ट कर लिया गया है. व्हाई? बिकॉज पीपल हैव फेल्ट दैट दिस इज द मोस्ट और लेट्स से द बेटर form of government as compared to that of the other forms of government such as monarchical form of government, military dictatorship, dictatorship or let's say anarchy or any other sort of government, republican or any other sort of government. Okay, now when we are talking about this chapter, looking at the first topic here, we are going to have a brief example here of South Africa. So South Africa ka sabse interesting fact kya hai?
सभी ने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा, है ना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, तो ये आपने इंग्लिश में भी पढ़ रखा है. सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नेल्सन मंडेला, ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वंस साउथ अफ्रीका बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1994. नाउ हियर लेट्स टॉक अबाउट दैट हाउ साउथ अफ्रीका गॉट इंडिपेंडेंट. अभी यहाँ पर सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते एक बात से, अफ्रीकन अपना कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अफ्रीका की जब हम बात करते हैं तो वो अपना कॉन्टिनेंट है, और इसी कॉन्टिनेंट में अपना एक कंट्री एकदम साउथ में, दैट इज साउथ अफ्रीका, ठीक है. इस बात से कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हम इसी कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं. अभी नेल्सन मंडेला के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस पीरियड फॉर फाइटिंग हियर फॉर अ रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी लॉज दैट वर पास्ड हियर इन साउथ अफ्रीका बाय द व्हाइट माइनॉरिटीज और द यूरोपियंस हु वर लिविंग हियर और हु सेटल्ड हियर. सो ये अपना कहलाता है अपार्थाइड. Right. So Nelson Mandela, he was a South African anti-apartheid revolutionary and political leader who served as a president of South Africa from 1994 to 1999. But यहाँ पर जो ये democratic constitution अपना बनता है South Africa का, वो इतनी आसानी से नहीं बनता है. जैसे कि जब भी हम बात करते हैं about Britain, everyone knows कि Britain यानी कि British Empire की बात हो रही है. तो अगर आप 17th-18th सेंचुरी के टाइम पे चले जाओ तो सभी बच्चों ने पढ़ रखा है दैट इंडिया को भी ऑलमोस्ट 200 साल तक ब्रिटेन ने यहाँ पर क्या किया था, उन्होंने अपना रूल रखा था, राइट right? उन्होंने अपना रूल किया था अपने कंट्री पे. सो इंडिया वॉज अ कॉलोनी टू द ब्रिटिश एम्पायर. लाइकवाइज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन पावर्स, वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जाके वो क्या करते थे, छोटे छोटे एरियाज को कॉलोनाइज करते थे. सो अगेन साउथ अफ्रीका वॉज ऑल्सो अ स्मॉल कॉलोनी फॉर द यूरोपियंस हियर. तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जो भी यूरोपियंस थे, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन द रीजंस ऑफ साउथ अफ्रीका एंड देयर वर सो मेनी पीपल जो कि यहाँ के नेटिव्स थे जिनको ब्लैक्स कहा जाता था. सो यहाँ पर अचानक से एक लॉ यहाँ पर पास कर दिया गया दैट वाज वेरी यूनिक टू साउथ अफ्रीका, दैट इज नोन एज अपार्थाइड. अपार्थाइड क्या होता है भाई? नाउ दिस वाज अ टर्म गिवन टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी लॉज दैट वर पास्ड. और किस चीज पे था ये लॉ? तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर. लेट्स से इफ अ पर्सन जो कि वहां खुद का नेटिव है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज अ नेटिव टू साउथ अफ्रीका, जो वहां पे बचपन से रह रहे हैं, उनके स्किन कलर के बेसिस पे जजमेंट्स किए गए कि भाई नाउ एवरीवन वुड बी सेग्रीगेटेड. मतलब कि जो ब्लैक्स है उनके लिए पब्लिक पार्क्स जो है या फिर जो पब्लिक स्टेयर्स है, पब्लिक प्लेसेस है, बसेस है, हॉस्पिटल्स है, ड्रिंकिंग वाटर तक की बात करें, कोई भी फैसिलिटीज तक की बात करें, सब कुछ सेग्रीगेट कर दिया गया था कि व्हाइट्स के लिए सेपरेट स्पेस होएगा, ब्लैक्स के लिए सेपरेट स्पेस होएगा. नाउ इमेजिन योरसेल्फ बीइंग अ साउथ अफ्रीकन देयर एंड लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. डू यू थिंक दैट वाजंट इट डिस्क्रिमिनेटरी एनफ फॉर द नेटिव्स देयर? Definitely it was. So when we are talking about Nelson Mandela, he started revolting against the apartheid regime that was instilled there in South Africa. For this purpose क्या हुआ कि उनको try कर दिया गया, ठीक है, he was proven guilty, उनको treason यानी कि country से आपने यहाँ पर क्या किया है, खुद को country के against आ गए, laws के against आ गए, तो इनको sentence कर दिया गया था for life imprisonment in 1964. Now he spent 28 years of his life in the most dangerous prison, that is the Robben Island. Now this was the place where he spent his 28 years. ये आप देख सकते हो, this was the room where Nelson Mandela had to spend his time and this is the Robben Island jail where he was serving. Okay? Now this was one of the most dangerous prisons of the world at that particular time. बहुत सारे political prisoners को, dangerous criminals को इसी Robben Island में रखा जाता था. Now here when we are talking about the life of Nelson Mandela, तो इसी period में, इतने साल में जो यहाँ पर वो jail में रहे, तो उसी time पे उन्होंने अपनी autobiography भी लिखी थी, और जिसके बारे में आपने I guess English वाली book में आप पढ़ने ही वाले हो, Long Walk to Freedom. Now I would suggest anyone to watch this movie as well. So there is a very famous movie named Mandela, Long Walk to Freedom. This is about the whole journey against apartheid of Nelson Mandela and his party members, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है. Now when we are talking about the struggle against apartheid, so you guys can look at these pictures where blacks, they were discriminated, they were segregated from the whole society despite the fact that they were living in that particular region and they were the natives there. तो अगर आप let's say यहाँ पर हम public parks की बात करें या benches की ही बात करें, so you guys can see Europeans के लिए जगह है, blanks के लिए जगह है, यानी कि blacks के लिए separate space है, Europeans के लिए separate space है. अगर beaches की भी बात की जाती थी तो white area segregated था, वहाँ पे blacks की entry बिल्कुल मना कर दी गई थी. सो अपार्थाइड को अगर हमें यहाँ पर डिफाइन करना हो, सो यू गाइस कैन से दैट इट वाज अ सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज इम्पोज्ड बाय व्हाइट यूरोपियंस इन साउथ अफ्रीका. नाउ इट डिवाइडेड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर,
ठीक है, रेस यानी कि स्किन कलर के बेसिस पे लोगों का डिविजन किया गया. नाउ नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका दे वर ब्लैक इन कलर, ऑब्वियस ही बात है. और यहाँ पर ये लाने का यू नो व्हाट वाज द इंटेंशन, बिकॉज जब भी हम यूरोपियंस की बात करते हैं ना, सो दे वर दी वेस्टर्न सेटलर्स. और जब भी वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, सो यूरोपियन के अंदर क्या था, दे ऑलवेज फेल्ट दैट दे वर दी सुपीरियर वंस. तो यहाँ पर जब भी हम बात करते हैं अबाउट यूरोपियंस, दे ऑलवेज हैड दिस फीलिंग दैट दे आर दी सुपीरियर वंस. और जब भी कलर्ड पीपल की, कलर्ड रेसेस की और स्पेशली ब्लैक्स की जब बात की जाती थी, तो हमेशा उनको इन्फीरियर के तौर पे देखा जाता था. ये आइडिया जो है, ये आप इंडिया में भी अप्लाई कर सकते हो, दैट हाउ दे फेल्ट दैट इट वॉज देयर बर्डन और देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंस्टिल अ वेस्टर्न कल्चर अमंग द पीपल हु आर लिविंग इन इंडिया, बिकॉज दे वर सीन समवेयर एज अनसिविलाइज्ड. यही वो कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका में भी अप्लाई कर दिया गया था. सो दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे वर नोन एज ब्लैक्स एंड दे वर ट्रीटेड एज inferiors just because Europeans had their tendency to look themselves as the superior ones. Okay, now besides them, other group they were known as color. तो यहाँ पर जब Africa यानी कि South Africa की अगर मैं particularly बात करूँ, so वहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे plantations थे. तो India से भी बहुत सारे plantation workers को यहाँ पर deport कर दिया गया था काम करने के लिए. तो यहाँ पर जो Indians थे, ये बाकी regions के जो आपके colored people थे, तो यहाँ पर उनको किस टर्म से डिनोट किया जाता था, कलर्ड पीपल से डिनोट किया जाता था. तो अपार्थाइड रीजन में क्या था बच्चों, दैट ब्लैक्स दे वर फॉरवर्डेड इन द वाइट एरियाज. पब्लिक पार्क्स जो भी थे या पब्लिक प्लेसेस जो भी थे, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क्स, बीचेस, सब जगह अपना एक सेपरेट स्पेस बना था ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में. नाउ ब्लैक्स दे कुड नॉट परफॉर्म प्रोटेस्ट अगेंस्ट एनी इल ट्रीटमेंट. नाउ यहाँ पर यह भी एक लॉ हो चुका था कि जो ब्लैक्स है वो यहाँ पर अगर उनके ऊपर कुछ इल ट्रीटमेंट हो भी रहा है, दे गाइज आर दीज गाइज आर नॉट सपोज टू यू नो प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट. ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखो कि अगर एक स्टेयर की मैं बात करूँ, तो आप देख सकते हो दैट हियर दिस वॉज फॉर नॉन यूरोपियंस एंड दिस वॉज फॉर यूरोपियंस, राइट? कैन यू इमेजिन, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू लिव. तो यहाँ पर आप अपने बुक में भी बहुत सारे इमेजेस देख सकते हो. दीज आर द इमेजेस और द साइंस ट्राइंग टू शो दैट हाउ दिस डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वॉज इम्पोज इन साउथ अफ्रीका, वेयर देर वॉज अ क्लियर डिस्टिंक्शन और सेग्रीगेशन. अभी 1950 से क्या हुआ कि जो भी आपके कलर्ड थे, इंडियंस थे और ब्लैक्स थे, दे ऑल वर नाउ फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थाइड रिजीम. और जैसे कि इंडिया में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट सबसे जो पॉपुलर पार्टी यहाँ पर फाइट करी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, लाइकवाइज अगर मैं साउथ अफ्रीका की बात करती हूँ, तो वहां पे जो अपनी सबसे पॉपुलर पार्टी थी दैट वाज एएनसी और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. नाउ दिस वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन कहने का क्या मतलब होता है, दैट दिस वाज द लार्जेस्ट पार्टी देयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टी, और उसके नीचे बहुत सारे डिफरेंट डिस्टिंक्ट पार्टीज थे हु वर वर्किंग विद एएनसी. Okay, so they led the protest here and also it included workers unions as well as the communist party. Now you can look at these images where the protesters or the supporters of African National Congress and the black people here, the natives of South Africa, they are trying to fight against the unjust discrimination that was based on color, okay, or the skin color that we are talking about. Now here, despite everything, काफ़ी टाइम तक ये जो अपना डिस्क्रिमिनेटरी लॉ था, ये काफ़ी टाइम तक फॉलो किया जा रहा था साउथ अफ्रीका में. बट देर वॉज अ पॉइंट वेर पीपल और लेट्स से द यूरोपियंस नाउ दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नाउ दे नो लॉन्गर वुड बी एबल टू यू नो सप्रेस द डिमांड्स और द प्रोटेस्ट ऑफ द नेटिव पीपल. सो ये एक टाइम आया जब यूरोपियंस को समझ में आने लगा कि अब वो ज़्यादा दिन तक दबा कर नेटिव्स को नहीं रख पाएंगे. Now here, white regimes, they had to change the policies with increasing protest and struggles. अब आप देखो कि लोगों के बीच में एक unity आने लगी and the unity was against their common enemy, that is the white people there, the white supremacy. तो उसको वो challenge करने के लिए क्या हुआ कि जितने भी वहाँ पर लोग थे, now they were united together. Now once they were united, it was really, really hard to suppress them, right? So this was the path that led to a new era in South Africa towards the new constitution, because this was the time where whites, they had to now give up and they had to make the country democratic or independent in that sense. So ab dheere dheere kya hua ki yahan par decide hone laga ki okay, now we are going to give your laws back, we are going to give you your identity back. So jitne bhi aapke discriminatory laws the unko repeal kar diya gaya. Repeal kehne ka kya matlab hai, wapas le liya gaya, matlab ki apartheid was no longer
a law that would be followed in South Africa. Lifting a ban on political parties and media. ANC के साथ क्या हुआ था कि उनको यहाँ पर ban कर दिया गया था, बाकी जितने भी political parties थे सबको ban कर दिया गया था. Nelson Mandela जेल में जा चुके थे और एक major party के जो आपके representative थे अगर वो जेल में चले गए तो party leadership अपनी खो चुकी थी, right? So finally now people were demanding that Nelson Mandela should be freed from jail itself. तो finally life imprisonment का जो यहाँ पर उनको punishment मिला था उसको withdraw करते हुए Nelson Mandela he was also freed from the jail. Finally it was year in 1994, 26th April that South Africa became democratic and the national flag of South Africa was unfurled. Now here what are we talking about? We are looking at the journey where we see that South Africa was initially under the rule of white supremacy. We are talking about a law that was quite unjust for the people who were living in South Africa. Now we are looking forward to the journey where we see that people were now accepting the truth, the reality, the white Europeans there, they were now accepting the reality. Now here they had this insecurity that once the power is given to the Africans, they might not be able to or they might not be giving us any justice here. Kyunki unhone kiya tha, unke against injustice, toh unko bhi ye dar wapas se lag raha tha. But here we see that the black leaders were quite intelligent and quite understanding in the fact ki wahan par wo kya karne ke liye ready the, wo yahan par accommodate karne ko ready the with the diversity. Matlab aisa nahi tha ki wo white leaders ko country se dhakka maar ke nikalna cha rahe the, nahi. They were looking forward to adjust and build a constitution based on just respecting the rights of each and every person because they had gone through that journey before. So here we are talking about the black leaders who wanted to build a new South Africa that was based on equality, that was based on social justice, that was based on human rights that they were given to the people and the democratic values. So yes, South Africa ke example se hame samajh mein aata hai ki world ka one of the finest constitution bankar tayar hota hai after 2 years and it gave these citizens extensive rights here. Aur jo preamble hai na, that sums up the spirit of South Africa or the constitution, the spirit of South African constitution in that sense. Okay, so yahan par agar aap se ek question pucha jaye that what did you learn from the example of South Africa, you guys will understand one thing, that how people they started accommodating with the needs of each and everyone despite the fact that differences the whites or blacks ke beech mein. Itna bada indiscriminately law yahan par pass kiya gaya tha, but despite that whites ke jo apne demands the unko yahan par kya kiya gaya, unko yahan par unhe de diya gaya. The South Africans here, the blacks here or the natives here, they were ready to forgive the whites. This is what we learned, accommodation, right? So whites jo the South Africa mein, they were also looking forward that unke jo privileges hai, property unko protect ki jaye. They finally agreed on the principle of majority rule and one person one vote. So yahan par majority rule yani ki jo wahan par blacks rehte the wo rule karenge, और यहाँ पर वन पर्सन वन वोट यानी कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. अभी जो यहाँ पर ब्लैक्स थे उनका क्या डिमांड था बच्चों, दैट दे वांटेड सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स एंड दे अग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वोंट बी एब्सोल्यूट. सो दे वर वेरी मच कंसिडरेट इन अ सेंस कि चलो ठीक है वी आर गोइंग टू रूल बट वी वोंट बी एब्सोल्यूट लाइक यू गाइज वर डूइंग विद अस. ओके, सो फाइनली बेस्ड ऑन दीज एग्रीमेंट्स साउथ अफ्रीका का अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ. अभी साउथ अफ्रीका की जो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो वैसे आपने यूएस का भी पढ़ा होगा. तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में आपके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल्स होने के बाद जब कंट्री को इंडिपेंडेंस मिली है और उसके बाद जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होके निकला है, दैट सम्स अप दीस यू नो स्ट्रगल्स ऑफ पीपल that who had lived that journey there. Okay, so यहाँ पर जब हम एक constitution की बात करते हैं, definitely we say that this is the supreme law. इसको कोई भी contest नहीं कर सकता. This is the supreme law that determines the relationship between the people who are living in that territory and also the relationship between people and the government, जो कि हम Indian constitution के through भी पढ़ सकते हैं. Right, now here the main question that comes is that why do we need a constitution? What are the benefits of a constitution? So everyone knows ki jo apna sabse pehla benefit hai, that is that it is generating a degree of trust and coordination ki aaj ke date mein in India if anyone feels ki unke fundamental rights ko yahan par defy kiya gaya, unko nahi mila hai, so they can approach the courts for getting their own fundamental rights. राइट, अगर उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया है, सो दे हैव द राइट टू अप्रोच द कोर्ट्स, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो जा सकते हैं अपने राइट्स के लिए, वो अधिकार है. राइट, उसके अलावा यहाँ पर जब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं,
specifies on the constitution of government. So basically यहाँ पर constitution की जब हम बात करते हैं, जो भी laws, जो भी articles आप पढ़ोगे आगे जाके Indian constitution के भी, तो आप देखोगे that how the government has to rule, how the government has to work, गवर्नमेंट को चूज कैसे किया जाएगा, गवर्नमेंट में रूल कौन कर सकता है, लॉस कैसे बनेंगे, बिल कैसे पास होएगा, बहुत सारे पार्ट्स के बारे में एंडलेस अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है. एंड यू गाइस मस्ट बी अवेयर अबाउट सम ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, दैट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट लेंथीएस्ट और द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस एवर रिटन इन द वर्ल्ड. राइट, सो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से आइडियाज को बोरो करते हुए वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन ड्राफ्टेड इन इंडिया. सो इट लेज डाउन द limits on the powers of the government, ताकि यहाँ पर कोई भी government या तो एक अनाकी का situation आए या फिर autocracy का situation आए, तो इसके लिए यहाँ पर इसको भी मद्देनजर रखते हुए सारे laws को limitations को रखा गया है. Expresses the aspirations on creating a good society. जब हम लोग preamble के बारे में पढ़ेंगे, we will understand that how it is talking about the whole spirit of a constitution, कि किस तरीके से एक just equal society का formation होना चाहिए, fraternity, liberty, all these concepts are going to be covered here. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशंस आर नॉट नेसेसरीली डेमोक्रेटिक. यहां पर आपको एक बात समझना है कि डेमोक्रेटिक कंट्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैविंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन होना अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है. लेकिन ये जरूरी नहीं कि जहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंट्री अपना डेमोक्रेटिक है. अब इसमें आप मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो. सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूके का. यूके में अपना नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है. राइट, सो वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव है दैट इज द क्राउन, बट वहां पे इलेक्शंस होते हैं, वहां पर एक नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना रिटन और नॉन रिटन फॉर्म में हो सकता है. सो यहां पर जब मैं यूके की बात करती हूँ, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल दैट कंट्री इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री. राइट, बिकॉज वहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो हेरिडिटरी रूल अपना फॉलो कर रहे हैं, दैट इज द मोनार्क और द क्राउन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो वी हैव क्वीन एलिजाबेथ सेकंड, और उसके बाद हायरार्की में उन्हीं के फैमिली के लोग आते रहेंगे, लेकिन वहां पे आपके प्राइम मिनिस्टर भी है, इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, है ना. तो यहां पर आपको ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. Now here when we are talking about different struggles throughout the history of the world, आप लोग War of Independence in America के बारे में पढ़ोगे. 13 colonies को जब independence मिला तो उसके बाद अपना preamble create किया गया और साथ ही साथ constitution बना. French revolution तो सभी बच्चों ने पढ़ा ही है, that ideas of equality, liberty, fraternity जो है वो French revolution से ही आया है. तो वहाँ पे भी आपने constitution के बारे में पढ़ रखा है, declaration of rights of man and citizen के बारे में पढ़ रखा है. और उसके अलावा जब हम India struggle of independence की बात करता है, one of the finest constitutions have been made after India got freedom from the British rule. Okay, now let's talk about the second part of this whole, or the third part of this whole chapter here, that is the making of the Indian constitution. Now students, when we are talking about the making of Indian constitution, do you think that this was a very easy journey? अगर आप लोगों ने क्लास 8 में मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रखा है अबाउट हाउ द ब्रिटिश एम्पायर दे रूल्ड आवर कंट्री, कि पहले जो मोटिव था दैट वाज फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया में आपस में ही लोगों की इनस्टेबिलिटी देखी और उसका फायदा उठाते हुए दे स्टार्टेड, दे टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और एक टाइम आया दैट दे स्टार्टेड रूलिंग द कंट्री. राइट, उन्होंने अपनी कॉलोनी यहाँ पर स्टैब्लिश कर ली. But finally, when people, they started struggling, they started, going against the British rule, they wanted our country to be free, inspired by the revolutions that were taking all over the world against the foreign rule. So, yahan India mein bhi bahut sare revolutions aur struggles hue. Aapko bahut sare points yaad honge, the Gandhian era that we are talking about, revolt of 1857 and all that. करेक्ट, सो यहां पर फाइनली अपना कंट्री कब इंडिपेंडेंट हुआ था, 1947 में. अब 1947 में इंडिया वाज नाउ डिवाइडेड इनटू टू नेशंस, एक इंडिया एंड द सेकंड वन बीइंग पाकिस्तान. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेफिनेटली इट वाज नॉट एन इजी जर्नी, बिकॉज द कंट्री वाज गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज ऑफ पार्टीशन. Well, lots and lots of people, they were injured, lots and lots of people, they were killed, and also there was a chaotic situation everywhere inside our country and outside our country, where the Hindus and Muslims, the Sikhs, everyone was fighting among themselves. So definitely it left deep scars among the common people. Aur hamare jo constitution makers the, they were looking forward to safeguard the interest of the people, each and every person belonging to different religion, different community in our country.
So at least 10 lakh people, they were killed on both sides of the border. So definitely it was not an easy task. Now, if you look at the map of our country, at the time of the independence, अगर आप 1947 का मैप देखोगे तो ये आपका कश्मीर वाला पार्ट है, ठीक है. उसके अलावा कैलकटा, ये अपना ईस्ट पाकिस्तान था 1971 तक. उसके बाद जाके अपना बांग्लादेश बना, फिर पाकिस्तान, ये अपना वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स हियर. सो बेसिकली यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई कि इंडिया में इनिशियली आप सभी बच्चों को पता है कि आपके प्रोविंसियल स्टेट्स हुआ करते थे और आपके प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे. अब यहाँ पर जो ब्रिटिश एम्पायर है, उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स, जो कि दैट वॉज अंडर द रूल ऑफ लोकल किंग्स एंड राजास, उनके ऊपर उन्होंने जिम्मेदारी छोड़ दी दैट इफ यू गाइज वॉन्ट टू मर्ज विद द कंट्री, ठीक है, आप मर्ज करो, नहीं तो खुद का सेपरेट स्टेट या कंट्री बनाना चाहते हो तो बना लो. तो यहाँ पर बहुत सारे प्रिंसली स्टेट, सिंस लोगों के बीच में वो यूनिटी नहीं थी, सो दिस वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क ऑफ इंटीग्रेटिंग द प्रिंसली स्टेट्स विद द इंटायर नेशन, इंटायर टेरिटरी. सो ये मर्जिंग जो था ना बच्चों इंडियन स्टेट्स का, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क था. बट दिस ओनस और द रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टेकन बाई द आयरन मैन हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और द स्टील मैन ऑफ इंडिया हु इज नोन एज सरदार वल्लभ भाई पटेल. यस, ही टुक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मर्जिंग द प्रोविंशियल स्टेट्स विद द एग्जिस्टिंग प्रोविंस, सॉरी प्रिंसली स्टेट्स विद द एग्जिस्टिंग प्रोविंसेस इन आवर कंट्री. लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट टास्क था वो था कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद को अपने अंडर करना, क्योंकि इन्होंने अपना सेपरेट स्टेट बनाने का और पाकिस्तान में जाने का इन्होंने डिसाइड कर लिया था. लेकिन यहाँ पर फाइनली जो आज के डेट में आपको पता है, जो आज के डेट में आप मैप देखते हो, उसमें आपको एंटायरली डिफरेंट डिफरेंट regions नजर आएंगे. Now this is the map of 1947. उस time पे किस तरीके से struggle किया जा रहा था that all these princely states जो कि local rajas और kings के under थे, they should be merging with the Indian subcontinent. Yes. So finally we see that all the regions were brought under the Indian territory and today we have our country in a new form as you guys can see the map as well. So Sardar Vallabh Bhai Patel, he played a very major role in the merging of princely states. Now let us talk about the path of making the Indian constitution. So national movement ki jab hum baat karte hain, definitely it was a struggle against the foreign rule and they wanted to transform the society and the politics here, and there were so many important national leaders who played a very important role here. To yahan par agar aap pure path ko dekho to initially 1928 sabse apna important landmark hai jisme sabse pehli baar for the first time a draft to Indian constitution was made by Motilal Nehru along with some other 8 leaders. ठीक है, सो इनिशियली 1928 में उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ ऐसा दिखना चाहिए. ठीक है, उन्होंने कुछ 13-14 पॉइंट्स लिखे. उसके बाद हमारा 1931 में, यहाँ पर कॉन्स्टेंटली क्योंकि स्ट्रगल अपना ऑन था, सो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अपना कराची सेशन होता है जहाँ पे उन्होंने रेजोल्यूशन लिया कि किस तरीके से अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लगना चाहिए. वहाँ पे उन्होंने कॉमन इशूज को रेज किया और उन्होंने कहा कि ये सब तो हमारी कंट्री में आना ही चाहिए, जैसे यूनिवर्सल राइट फॉर चॉइस, दैट एवरीवन शुड हैव द राइट टू वोट डिस्पाइट द फैक्ट कौन कास्ट से, कौन से रिलीजन से, कौन से कम्युनिटी से, मेन है, वुमेन है, जेंडर, नथिंग शुड बी मैटरिंग है. फिर फ्रीडम एंड इक्वलिटी की बात की गई, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी, एवरीथिंग दैट दे वर फेसिंग इन द कंट्री. ओके, फिर बहुत सारे जो आइडियाज थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से पास लिया गया था, बोरो किया गया था. सो आपको पता है कि जब हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करते हैं, उन्होंने इंडिया में बहुत सारे एक्ट्स यहाँ पर या लॉज पास किए, चाहे वो एक्ट ऑफ 1909 हो, 1919 हो, उसके अलावा 1935 हो, बहुत सारे चार्टर एक्ट्स इनिशियली पास किए गए थे. सो बहुत सारे जो आइडियाज थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से भी लिया गया था. उसके अलावा यहाँ पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद करना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में. अब जब हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात करते हैं, सो यहाँ पर जिम्मेदारी दी जानी चाहिए टू द पीपल ऑफ द कंट्री, द रिप्रेजेंटेटिव्स डेफिनेटली, जो यहाँ पर लोगों के हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझने वाले और उसके बेसिस पे द मोस्ट डॉक्यूमेंट या द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक को यहाँ पर तैयार करने वाले. ठीक है, सो जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं बच्चों, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अ डॉक्यूमेंट दैट वाज टू बी ड्राफ्टेड, इट वाज टू बी प्रिपेयर्ड बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और ये आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे हु वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे वर नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज से वो क्या थे, दे वर नोइंग दैट दे मुखातिब थे या फिर वो काफी कुछ जानते थे. सो नाउ दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू द आइडियाज दैट वर अडॉप्टेड हियर फ्रॉम द फ्रेंच रिवोल्यूशन. कौन से वो आइडियाज थे, सो लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड द थर्ड वन बी फ्रटर्निटी.
सबको ये पॉइंट याद है क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है ना, फ्रटर्निटी, राइट. उसके अलावा यहाँ पर जब हम बात करते हैं ब्रिटेन की, सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, हमारे कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो सभी बच्चों को पता है ना. सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसको उसके भी आइडिया को अडॉप्ट किया गया था. फिर यहाँ पर बिल ऑफ राइट्स जो प्रीएम्बल की हम बात करते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया गया था. सो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जहाँ से आइडियाज को अडॉप्ट किए गए थे. सो आपको अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स याद करने तो आप बच्चे डेफिनेटली याद कर सकते हो कि इंडिया का जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड द लेंगेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारी कंट्रीज से यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था. ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज सोर्सेज बने. अब यहाँ पर जब सोर्सेज की बात करते हैं तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से याद रखो कि प्रीएम्बल फंडामेंटल राइट्स को फेडरल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया गया था. अगर यूके की बात करते हैं तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाले आइडिया को अडॉप्ट किया गया था, सिंगल सिटीजनशिप को अडॉप्ट किया गया था. क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री का है वो कैनेडा से हुआ था. फिर आयरलैंड, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्रीज थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो यहाँ से आप देख सकते हो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, पब्लिक सर्विसेज वाले एग्जामिनेशन, जुडिशियरी के पावर्स, ये सब यहाँ से अडॉप्ट किए गए थे. सो एज यू गाइस कैन सी, बहुत सारे कंट्रीज थे, बहुत सारे जगह से जहाँ पे इतना डिलिब्रेशन और डिस्कशन हुआ, एंड दीज बिकेम द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ लुकिंग एट द टाइमलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई विल शो यू, यहाँ पर आपको ये इमेज नहीं दिखेगा, बट आई कैन जस्ट रिमूव माई सेल्फ फॉर वन सेकेंड ताकि आपको मैं एक चीज बस दिखा दूँ. दिस इज अ वेरी गुड थिंग दैट यू गाइस कैन सी हियर. ओके, सो हियर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट December 9, 1946, तो ये हमारी फर्स्ट मीटिंग 1946 में हुई थी. नाउ इतनी फर्स्ट मीटिंग हुई, ये पूरा टाइमलाइन है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का. December 11 को राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट. ठीक है, सो यहाँ पर हु वॉज द प्रेसिडेंट, आपको याद रखना दैट इट वॉज राजेंद्र प्रसाद. 24 जनवरी 1950 को अपना हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर दिया गया था और 26 जनवरी 1950 को लीगली इन्फोर्स कर दिया गया था. इट केम इनटू इफेक्ट. पूरा जो अपना टाइमलाइन है बच्चों, दैट इज 2 years 11 months and 18 days. तो ये सब आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कोई भी बच्चा यहाँ पर मिस नहीं कर सकता. ये पॉइंट्स आपको याद रखने ही रखने हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं. सो अपनी जो फर्स्ट मीटिंग थी यहाँ पर December 1946 में हुई, अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार कब हो गया था, अडॉप्ट कब कर लिया गया था, 26 नवंबर 1949 को, और इट केम इनटू इफेक्ट ऑन January 26, 1950. और इस डे को मार्क करने के लिए वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे, जनवरी 26, एवरीवन नोस दैट. अब यहां पर आप देखो कि पार्टीशन के पहले ही अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार किया गया था. सो बिफोर पार्टीशन वी हैड 389 मेंबर्स एंड आफ्टर पार्टीशंस आपके जो टोटल मेंबर थे देयर वर 299 मेंबर्स हु एक्चुअली नाउ वर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. सो यहां पर जुलाई 1946 में आपके इलेक्शंस हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इलेक्शंस होने के बाद क्या हुआ कि आपके जो इनडायरेक्टली जो प्रोविंशियल इलेक्शन से आपके चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्हीं में से पूरे लॉट से यहां पर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को यहां पर चूज किया गया, एंड दे बिकेम द पीपल हु वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड दे वर द पीपल हु वर गिवन द टास्क ऑफ यू नो डिजाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री. सो ये सब कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो सभी बच्चों को पता होने चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट हुआ था, इसमें बच्चा लोग अभी भी बहुत कंफ्यूज करता है. मैं बार बार कहूंगी अगर प्रीएम्बल देखोगे तो आपको हियर बाई अडॉप्ट से 26 नवंबर 1949 याद रहेगा, और रिपब्लिक डे के कॉन्सेप्ट से आप यहां पर याद रखना कि इस डे को मार्क करने के लिए कि इस दिन फाइनली इनटू इफेक्ट या इनटू फोर्स आया कि आज से हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे. सो ये हमारा 26 जनवरी को हुआ था 1950. ओके, सो अगर इनिशियली आप देखोगे तो अपना जो प्रीएम्बल था बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज द इंट्रोडक्शन. जैसे किसी भी पार्ट में कोई भी अगर आप बुक खोल के देखोगे तो प्रिल्यूड का आपका प्रीफेस का पेज होता है ना, जिसमें आपको बताया जाता है कि यहाँ पर इस बुक में क्या क्या वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइट्स ऑफ द बुक के बारे में. तो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो हाईलाइट है वो आपको प्रीएम्बल में दिखता है. ठीक है, एंड यू कैन सी जवाहरलाल नेहरू जो अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ही साइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस वॉज द बिग बुक जिसको यहां पर बकायदा लिखा गया था. ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट वॉज रिटन डाउन बाई इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. कौन लिखा था वो सब आप यहां पर पता कर सकते हो. ठीक है, सो यहां पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क्ड, इट गिव्स द सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इतने सालों में नो वन हैज एवर डेयर्ड टू क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों भाई? क्योंकि एक तो यहां पर इतने डिलिब्रेशन और डिस्कशन हुए थे. आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है ना कि Why have we accepted the Indian Constitution? I mean, we can refute it.
आज के डेट में अमेंडमेंट्स होते हैं, आज के डेट में आप चेंजेस देखते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज में होते हैं, कि उस टाइम पे कुछ और सोचते हुए वो लॉ बना था और आज के डेट में उस लॉ का जो इम्पोर्टेंस है वो कुछ और सेंस में। तो यहाँ पर अमेंडमेंट्स करने का ये भी अधिकार दे दिया गया कि लॉ को यहाँ पर थोड़ा चेंज किया जा सकता है। लेकिन हमने एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने लोगों के एस्पिरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शा दिया। उन्होंने जो भी पॉइंट्स लिखे वो सभी लोगों के बारे में इक्वली सोचते हुए लिखे। सो यहाँ पर जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज नॉट जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑफ द व्यूज ऑफ वन मेंबर ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, ठीक है, इट इज टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ आवर कंट्री। सो व्हेन यू विल लुक एट द प्रीएम्बल, अपना जो पहला ही लाइन है, इट इज टॉकिंग अबाउट वी द पीपल ऑफ इंडिया गिविंग द सैंक्टिटी टू द पीपल ऑफ द कंट्री हियर। सो इट इज एक्सप्रेसिंग द ब्रॉड कंसेंसस। कंसेंसस मतलब कि एकजुट भावना जो लोगों की थी, इमोशंस थी, उसको यहाँ पर दर्शाया गया। नाउ नो लार्ज ग्रुप और एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन अपना तैयार किया गया था, जिस एनवायरमेंट में तैयार किया गया था, दैट वॉज द परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन दैट कुड हैव बीन रिटन। सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, इट रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। जो आपके इलेक्टेड मेंबर्स थे ना यहाँ पर, मेंबर्स जो एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के थे, सो यहाँ पर डेफिनेटली उन्हीं से चूज किया गया था टू इंश्योर अ फेयर ज्योग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ आर कंट्री। एंड डेफिनेटली इट वॉज डोमिनेटेड बाई एनसी, जो कि अपना अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया में। सो हियर बहुत सारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे जिसपे सभी ने अग्री किया। ड्राफ्टिंग कमिटी के यहाँ पर चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, हु इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे राउंड्स ऑफ थर्ड डिस्कशन हुए थे, डेलीब्रेशन हुए थे, और हर एक डिस्कशन के बाद फाइनली यहाँ पर अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया गया। तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, बच्चों को लगभग 114 दिन तक मिले, और उसके बाद यहाँ पर फाइनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। Now this is the last part of the chapter, that is the guiding values of the Indian Constitution, where we are going to talk about the role of Mahatma Gandhi. जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने, he was not the member, but he played a very important role in giving the ideas कि अपना constitution दिखना कैसा चाहिए. So he was always talking about the elimination of inequality. You all know that वो untouchability के कितने against थे. He always fought for the rights of Harijans. जब दलित की जब हम बात करते हैं, उन्होंने ये term दिया था Harijans, यानी कि children of God. So, वो इनइक्वलिटी अगेंस्ट थे, एंड बी आर अम्बेडकर ऑल्सो शेयर्ड दिस व्यू। सो डेफिनेटली यहाँ पर वो दोनों अग्री करते थे और इसके ऊपर भी फोकस किया गया। ये छोटा सा पार्ट है जो आप अपने बुक में भी पढ़ सकते हो। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द प्रीएम्बल। सो वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड इट फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी। सो अगर आप प्रीएम्बल देखोगे, मैं सजेस्ट करूंगी दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड गो by heart through the preamble of the constitution. So we the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, ये आपके keywords हैं जिसके बारे में actually हमें यहाँ पर समझना है. Justice, that should be social, economic and political. Liberty जो है, that should be of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, and assuring the dignity of individual, and unity and integrity of the nation. So in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Very important point that everyone needs to remember. So जब हम preamble की बात करते हैं, ये एक poem की तरह, एक saga की तरह है, that is talking about the spirit of the constitution. So यहाँ पर जितने भी आपके articles, जितने भी आर्टिकल्स हैं टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट रिफ्लेक्ट्स द आइडियाज ऑफ द पीपल, द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल हियर। सो कॉन्स्टिट्यूशन, इट बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, जिसको हम लोग प्रीएम्बल कहते हैं। सो इट रीड्स लाइक अ पोएम, सभी बच्चों को पता है। कंटेन्स द फिलॉसफी, जो कि अपना पूरा इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बनाए, और स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेलुएट एनी लॉ। उसके अलावा दिस इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल की जब हम बात करते हैं, इट हैज बीन रेफर्ड टू एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है, कि जो सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म था बच्चों, इनिशियली अपने प्रीएम्बल में नहीं था। इसको यहाँ पर एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 42nd, जिसमें चेंजेस हुए थे। सो 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू अपना सोशलिस्ट और सेकुलर टर्म यहाँ पर ऐड किया गया था। सो अपना जो पहला कीवर्ड है, दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, इससे हम क्या समझते हैं? सो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनएक्टेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स।
दैट इज रेफरिंग टू द पीपल कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है दैट इज जस्ट टॉकिंग अबाउट द राइट्स दैट पीपल शुड बी एंजॉइंग इन द कंट्री. ये हमारे किसी किंग या किसी आउटसाइडर के द्वारा हमें हैंड नहीं किया गया है बल्कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा हैंड आउट किया गया है. ठीक है, जब हम सॉवरेन टर्म की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है कि सॉवरेन में हमेशा आप देखोगे कि जो पावर है, जो भी डिसीजंस हमारे कंट्री में लेना है, पीपल दे हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, इंटरनल हो या एक्सटर्नल. पीपल में कौन आएंगे, जो हम एक अपने इलेक्टेड हेड की बात करते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करते हैं. सो हियर वी सी दैट क्राउन इज नो लॉन्गर गोइंग टू टेक द डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ आर कंट्री. अगर हम किसी सॉवरेन कंट्री की बात करते हैं, मान लो मैं यूनाइटेड किंगडम की बात करूँ, तो वहां पे जो डिसीजन है ना वो किसके नाम पे लिया जाएगा, वो वहां के किंग के या क्वीन के नाम पे लिया जाएगा. इंडिया के केस में कोई भी फॉरेन पावर के नाम पे हमारी कंट्री का डिसीजन नहीं बनता है, प्रेसिडेंट के नाम पे अपना डिसीजन बनता है. सो सॉवरेन का मतलब होता है कि यहीं के लोग सारे डिसीजंस लेंगे. सोशलिस्ट टर्म का मतलब होता है बच्चों कि जो वेल्थ हमारे कंट्री में जनरेट होगा दैट शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कॉमन पीपल, अमंग ईच एंड एवरी सिटीजंस. तो यहाँ पर जो बैरियर है रिच और पुअर के बीच में, इसे धीरे धीरे कम करना है. सो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, दे शुड बी रेगुलेटिंग द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज दैट एग्जिस्ट इन द सोसाइटी. सेक्युलर टर्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर इसका क्या मतलब होता है, दैट सिटीजंस दे हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, नो वन कैन गाइड देम और टेल देम कि आपको यही रिलीजन फॉलो करना है. ठीक है, और पॉलिटिक्स और रिलीजन का यहाँ पर जो इंटरप्ले है वो एकदम अलग है, दोनों एकदम सेपरेट साइड्स में. तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो सारे रिलीजन को एक बराबर ही ट्रीट करने वाले, इक्वल रिस्पेक्ट के साथ, और पॉलिटिक्स का इंटरवेंशन रिलीजन में नहीं किया जाएगा. इंडिपेंडेंट है स्टेट का यहाँ पर रिलीजन में, रिलीजियस मैटर अफेयर में इंटरवेंशन इज नॉट अलाउड. सो एवरी रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली इन फ्रंट ऑफ लॉ. ओके, डेमोक्रेटिक टर्म की बात करते हैं तो सभी बच्चों को पता है दैट इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट पीपल आर एंजॉयिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दैट एवरी पर्सन हैज गॉट द राइट टू वोट एंड ईच वोट हैज वन वैल्यू. जब हम रिपब्लिक टर्म की बात कर रहे हैं, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट है ना, इट इज एन इलेक्टेड पर्सन. मतलब कि यहाँ पर किंग वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं है या क्वीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है कि मान लो कि हमारे कंट्री में जो प्रेसिडेंट है वो अगर हटे तो उनके बेटे बनेंगे, अगर प्राइम मिनिस्टर है वो हटे तो उनके बेटे बनेंगे, वो हेरिडेटरी पोजीशन नहीं है. यहाँ पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करेंगे, इलेक्ट करेंगे. इट इज एन इलेक्टेड पोजिशन एंड नॉट अ चोजन और हेरिडेटरी पोजिशन इन दैट सेंस. उसके अलावा आपके टर्म्स है जस्टिस, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वल. जस्टिस का मतलब क्या होता है, दैट एवरीवन इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ एंड एवरीवन शुड नॉट बी एवरीवन वुड बी ट्रीटेड इक्वली इन दैट सेंस. ठीक है, कि मान लो कि आपके साथ किसी भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक वे में इनजस्टिस हुआ है, यू हैव द राइट टू अप्रोच टू द कोर्ट्स. हियर फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड के सेंस में, कि हमारे कंट्री में एवरीवन शुड ट्रीट ईच अदर लाइक ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और वो यूनिटी फॉस्टर करने के लिए वी हैव टू बी टुगेदर, ट्रीट एवरीवन एज इक्वल्स. हियर इक्वलिटी का मतलब सभी को पता है दैट यू नो एवरीवन शुड बी इक्वल इन ऑल सेंस. हियर लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम. तो ये आपके कुछ की टर्म्स हैं, ये कुछ गाइडिंग फिलॉसफीज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो हर जगह यहाँ पर फॉलो किया गया है. और यहाँ पर ये जो आपके बेसिक फिलॉसफीज हैं दैट इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द चैप्टर हियर. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर हियर एंड आई रियली रियली होप दैट सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. और अगर समझ में आया है तो डेफिनेटली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, शेयर इट एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डेफिनेटली फॉर श्योर ये चैप्टर में कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम, यू कैन यू नो राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर द सेशन एंड्स. सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन एंड प्लीज लाइक द सेशन, लेट्स क्रैक इट एंड सी यू ऑल्सो.